हेलो स्टूडेंट, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर वन ईवीएस। द चैप्टर नेम इज़ फैमिली एज अ यूनिट। हमने पढ़ा था व्हाट इज़ फैमिली एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैमिली, एंड हम पढ़ रहे थे अंजलि के फैमिली के बारे में। सो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हमारी, जैसे कि उनकी नानी ने बताया कि जिस तरह से पहले का टाइम और अभी का टाइम चेंज हो गया है, पहले तुम्हारा लाइफ जो है तुम्हारी मम्मा के लाइफ से बहुत डिफरेंट है, उसी तरह तुम्हारी मम्मा का लाइफ मेरे लाइफ से बहुत डिफरेंट है। पहले हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे जिसमें दादा दादी चाचा चाची सब एक साथ एक ही घर में रहते थे। अभी ज़्यादातर जितने भी इंसान हैं सब एक न्यूक्लियर फैमिली में, जिसमें सिर्फ माता पिता और बच्चे ही आते हैं। सो हम लोग उससे आगे अब पढ़ेंगे। देर वेर अदर थिंग्स दैट वेर डिफरेंट। देर वेर नो कंप्यूटर गेम्स और वीडियो गेम्स। देन अनलाइक मी योर मदर कुक्स फूड यूजिंग अ 4 बर्नर गैस स्टोव एंड अ माइक्रोवेव ओवन। सी इवन वर्क फ्रॉम होम एज अ फ्री लेंसर एंड मैनेज टाइम बिटवीन वर्क एंड होम। नानी सेड लुक्ड हर डॉटर प्राउडली। तो उसकी नानी ने बोला कि अभी चीज़ें बहुत बदल गई हैं, पहले कोई वीडियो गेम्स या कंप्यूटर गेम्स नहीं हुआ करते थे, और तुम्हारी मम्मा जो हैं अभी एक 4 बर्नर स्टोव पे खाना बनाती हैं और एक माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हैं, जिस तरह से वो अपने काम और घर के बीच में टाइम मैनेज करती हैं वो देख के बहुत अच्छा लगता है। देन सी पैटेड अंजलि एंड गॉट अप टू ब्रिंग स्वीट्स फॉर द होल फैमिली। उसके बाद उन्होंने अंजलि को अपने गोद से उतार कर बैठाया और पूरे फैमिली के लिए स्वीट्स लेने गई। नाउ वी कैन स्टडी फैमिली वैल्यूज़। वी लर्न मैनी थिंग्स लाइक वैल्यूज, ट्रेडिशन एंड कल्चर फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। फैमिली वैल्यूज़ आर द आइडिया एंड बिलीफ दैट आर टिपिकल ऑफ फैमिली। मतलब कि हम लोग हमारे फैमिली से वैल्यूज़, ट्रेडिशन और कल्चर सीखते फैमिली मेम्बर्स से, और फैमिली वैल्यूज़ भी हमारे फैमिली मेम्बर्स से ही हम सीखते हैं। द वैल्यूज़ इंक्लूडेड स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, केयरिंग फॉर ईच अदर, लिविंग इन हारमोनी, लिविंग पीसफुली विदाउट टीजिंग एनी वन। इट मीन्स कि हमें फैमिली के साथ एक साथ टाइम बिताना चाहिए, एक दूसरे का देखभाल करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे का मजाक नहीं बनाना चाहिए। शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन अ फैमिली, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना चाहिए। शेयरिंग ईच अदर जॉयज एंड सैरो, हमें अपनी खुशी और दुख बांटने चाहिए। शेयरिंग हाउस होल्ड कोरोज हैप्पीली, हमें अपने घर के काम भी हैप्पीली एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। गोइंग आउट एंड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, बाहर जाना चाहिए और टाइम स्पेंड करना चाहिए। फॉलोइंग द रिटुअल्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द फैमिली, हमें हमारे फैमिली के रिटुअल्स और ट्रेडिशंस हमेशा फॉलो करना चाहिए। ईटिंग एटलीस्ट 1 मील टुगेदर एवरी डे, और एटलीस्ट एक बार तो एक साथ खाना खाना ही चाहिए। चेंजिंग सोसाइटी, मैनी फैमिली टुगेदर मेक अ सोसाइटी, बहुत सारे फैमिली एक साथ मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं। ओवर द ईयर्स फैमिली वैल्यूज एंड लाइफ स्टाइल हैव चेंज। और इतने सालों में फैमिली वैल्यूज और लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। दिस हैज अबाउट चेंजेस इन द सोसाइटी। एलियर मैन वेंट आउट टू वर्क वाइल वुमेन स्टेड एट होम एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन एट होम एंड होम्स। टुडे बोथ मैन एंड वुमेन वर्क आउट एंड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड वर्क। पहले सिर्फ मैन जो थे वो बाहर जाते थे, काम करते थे, और औरतें घर पे रह के घर का देखभाल और बच्चों का देखभाल करते थे। बट अभी औरतें, मतलब मैन और वुमेन दोनों ही वह बाहर जाते हैं और काम करते हैं, एंड घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों मिलके शेयर करके रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। इन द सेम वे एलियर ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस वेर टेकन बाय द मैन, बट नाउ डिसीजंस आर टेकन टुगेदर बाय बोथ मैन एंड वुमेन। सो वी मस्ट लर्न इन टू चेंज विद टाइम। और इसी तरह से हम लोग देखा जाए तो पहले के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते थे वो सिर्फ मैन लेते थे, और बट अभी के जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन वो मैन और वुमेन दोनों मिलकर रहते हैं। इसी तरह से हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, चेंज विद टाइम के साथ चेंज भी होते रहना चाहिए और सीखते भी रहना चाहिए। दैट्स ऑल।